नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजल नारायण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच पेश हुए इस बजट पर देश भर की नजर थी। सरकार ने बजट में युवाओं को राहत दी। बजट की खबर लगी लाख नई नौकरियों का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी। बता दें कि रोजगार को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार रोजगार पैदा करने में नाकाम रही है, लेकिन अब सरकार ने 60 लाख नौकरियों का ऐलान करके विपक्ष को जवाब दिया है। पौड़ी पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार पौरी के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन किया। इसी के साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की। सीएम ने इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें जीत का मंत्र दिया। सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक बीजेपी का प्रचार तेज करने को कहा, जिससे बीजेपी का जनाधार बढ़ सके और 60 के पार सीटों का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सके। सभी लोग मान गए हैं और ऐसा कहीं नहीं है, एक आध दो जगह पर रह गया है, वो भी मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों ने सभी जगह गए हैं, सभी हमारी पार्टी का बड़ा परिवार है और परिवार में ठीक है, स्वाभाविक है सब लोगों की, चूंकि सभी लोग चाहते थे कि चुनाव में जाए, लेकिन देशकाल परिस्थिति ऐसी बनी है कि एक ही आदमी चुनाव लड़ सकता है। बाकी जो लोग नहीं लड़ रहे हैं, जो नहीं है, उनका भी आगे उनके बारे में भी विचार होगा, सभी का सम्मान होगा। और हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, चूँकि संगठन में एक समय में एक ही को उतारा जा सकता है, इसलिए नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। चुनाव में युवा मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस और बीजेपी नेताओं को क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। चुनावी रण में एक दूसरे के वार का जवाब देने के साथ ही नेता खिलाड़ी बनकर भी दमखम दिखाने को आतुर हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बिंदुखत्ता में कबड्डी खेली। आपको बता दें कि प्रदेश में 18 से 40 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या 40 लाख से ज्यादा है, जिसके चलते कांग्रेस और बीजेपी युवाओं को साधने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए दोनों दलों के नेता चुनाव मैदान से खेल के मैदान तक दमखम दिखाने को उतर रहे हैं। जसपुर विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए। बीएसपी प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 4 से 5 करोड़ रुपए में अपने टिकट लोगों को बांटे हैं, ऐसे आदमी से प्रदेश बदलने की जनता क्या उम्मीद कर सकती है। जसपुर विधानसभा बने हुए 20 साल हो गए, 15 साल एक ने और 5 साल एक ने सेवा क्षेत्र को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। और मेरा तो एक ही संकल्प है, मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। और जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी महन मायावती जी ने मुझे घर बैठे टिकट दिया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पूरे क्षेत्र की जनता का जो प्यार और दुलार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, आपके इतिहास रचने जा रहा है 2022 का, और 14 फरवरी को जसपुर की जनता दिखाएगी और हाथी के सामने का बटन दबाकर एक रिकॉर्ड वोटों से इस सेवक को जिताएगी। मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के सिवाल कस्बे में पहुंचे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने यहां लोगों से चुनावी माहौल जाना और लोगों का क्या मूड है इसको जानने की कोशिश की। हालांकि लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी है और पिछले 5 सालों में कितने विकास कार्य हुए हैं उससे लोग कितना संतुष्ट हैं ये भी जानने की कोशिश की। क्या कुछ लोगों का कहना है, उनसे बात की हमारे सहयोगी मनोवर चौहान ने, सुनी। ठंड का मौसम है और उत्तर प्रदेश के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रहे
विधानसभा चुनाव को लेकर गर्मी का माहौल बना हुआ है। इस वक्त रात का समय है और न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के खिवाई कस्बे में है। आज आपको यहाँ पर हम लेके आए हैं, यहाँ लोगों से रूबरू कराएंगे आखिर वो क्या चाहते हैं, और विकास की जो बातें की जा रही हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की जो बातें की जा रही थी, पिछले 5 साल में क्या कुछ काम हुए या नहीं हुए, और लोग उनसे कितना संतुष्ट हैं, और इस वक्त उनका क्या मूड है, क्या माहौल है। मेरे पीछे आप देखेंगे, यहाँ हमने गाड़ियों की लाइट में प्रकाश की व्यवस्था की है जिससे कि इनसे बात कर सकें, क्योंकि काफ़ी बड़ा कस्बा है और लाइट यहाँ नाम मात्र है, पूरा इलाका अंधेरे में डूबा रहता है। तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है जी। यासीन, ये बताइए आप यहाँ रहते हैं क्या? जी यहीं रहते हैं। मैं देख रहा हूँ, घूम के आया हूँ, नालियाँ नहीं बनी हैं, खड़ंजे हैं, सड़कें नहीं बन पाई हैं, गलियों के हालात खराब हैं। क्या पिछले 5 साल में जो आप वर्तमान की बात कीजिए, अब तक कोई ऐसा विकास कार्य हुआ जिससे आप प्रभावित हुए हो? प्रभावित तो यूँ है जी, विकास तो कस्बे का रहने वाले हम, ये कस्बा है जी, इसका विकास तुम्हें अपने तो खुद देखो, तुम्हें दिखा, हमारे बोलने से भी ना यकीन है तो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। आप इधर को कैमरा घुमाइए, ये देख लिए कितना विकास है, कस्बे का रहने वाले हम जी। और इधर ये रास्ता, झूठ की भी बात नहीं है, रास्ता आप दिखाता हूँ एक मिनट के लिए, आ जाओ तुम्हें दिखाता हूँ एक बार, चलते रहे दिखाते रहे, आओ तुम्हें दिखाता हूँ, मतलब कितना भयानक विकास है हमारे कस्बे में। आओ दिखाते हैं एक मिनट, तुम ही देख लो, ऐसा विकास है ना, यहाँ लाइट है, रास्ते आप देख ही रहे हो, मतलब ये कस्बे के रास्ते हैं, नाली, ये कूड़ा देखो, आप कैमरा दिखाओ, कैमरामैन से कहो ये कूड़ा देखो जी। तो कूड़ा उठाने कोई आता नहीं है अजी, दिन तीन चार चार पाँच पाँच दिन में जब यहाँ खूब बुरा हाल हो जाना, हमारे कस्बे की ऐसी हालत हो रही है, गांव में जो रिश्तेदार भी आते हैं ना, जो रिश्ते करने वाले, तो बस गांव की ऐसी बुराई करके जाते हैं, हमें बहुत तोहिन होती है। ये हमारे कस्बे का ऐसा है ना, लाइट की कोई, जो लाइट खंभे पर लगी हुई भी है, कोई जलती है, कोई जलती भी नहीं हमारे यहाँ। कब मुझे ये बताइए, वर्तमान में भाजपा के यहाँ विधायक हैं, उससे पहले सपा के रह गए, क्या इन 10 सालों में आपको कुछ ऐसा काम नहीं दिखता यहाँ जो जिससे आप इंस्पायर हुए, प्रभावित हुए? सर मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं बोलने से कुछ नहीं होगा, आप लाइव देखिए ना कितना अच्छा विकास है यहाँ, बोलने से क्या है। मूड है इस वक्त, मूड बहन मायावती को वोट देंगे, नन्हे प्रधान जी को अपने इसमें क्षेत्र में, वे विकास कराते भी हैं। ऐसा क्यों? अच्छे लगते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सबसे प्यार है, और गरीबों की सुनते भी हैं। उनके क्षेत्र में कभी जाओ तो देख लेना, उन्होंने अपना क्षेत्र कितना अच्छा बना रखा है। तो क्या ये भाजपा के जो विधायक हैं सतवाई, जितेंद्र सतवाई, उन्होंने आपकी सही सुनी, आपने उनको कहा कुछ? हमें सुनी, आप पूरे गांव में सर्वे कर लीजिए, अगर एक बच्चा भी हमारे गांव का, मनिंदर कौन था वो, सतवाई वतवाई पता नहीं क्या होगा, नहीं कभी देखा भी नहीं हमारे गाँव का। अच्छा अच्छा, बड़े आरोप है, युवा वर्ग है, बुजुर्ग भी मेरे साथ है, इधर आ जाइए आप भी। अच्छा, क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद। ये बताइए मुझे, आप यहाँ बुजुर्ग हैं, क्या पहले भी इसकी ऐसी हालत थी इस कस्बे की, या अभी ऐसा हुआ है? बस ये तो पहले से ही, क्या पहले तो जब कभी हुआ होगा होगा, लेकिन अब तो। आपकी याद में कितनी बार खड़ंजे बने? भैया तो हमारी याद में 3-12 बनना है। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र 70 साल के आसपास है। अच्छा, ये बड़ी बात है, 70 साल में इन्होंने 3 बार इस इलाके के खड़ंजों को बनता देखा है, यानी कि गंभीर आरोप है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर। जाकिर, पिछले 5 वर्षों की अगर बात की जाए या 10 वर्षों की बात की जाए, तो कितने विकास कार्य आपके क्षेत्र में हुए हैं, क्या आप इन विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? बस विकास की तो आप बात मत करिए, विकास के नाम से तो हमें चिढ़ हो गई है, लेकिन लोग जो विकास का नाम करते हैं तो हमें तोहिन होती है कि कस्बा होने के बावजूद यहाँ कुछ नहीं हो पाया। क्या मूड है वैसे इस बार चुनाव में? बहन मायावती नन्हे प्रधान को जितना करता है। अच्छा, नन्हे प्रधान के समर्थक बहुत मिल रहे। बाबा ये बताइए, सर्दी पड़ रही है, आप सड़कों पर हैं, माहौल गर्म है, क्या मूड है? आपने 70 साल में काफी बार वोट किया होगा, इस बार वोट क्या सोच कर देंगे, क्या आपके मन में चल रहा है? बस आपको तो नन्हे प्रधान को, नन्हे प्रधान के बहुत समर्थक मिल रहे, क्या है नन्हे प्रधान जी काम कराते हैं क्या? बस ये काम कराने के आदमी, अब तो पद भी मिला, लेकिन सुनते हैं सबके गरीब। अच्छा, गुलाम मोहम्मद ने अपने कार्यकाल में सुनी नहीं थी क्या किसी की? नहीं सुनी थी जी, कार्यकाल में अपने उन्होंने नेताओं की सुनी, अपने मतलब जो मौजूद गांव में आदमी है ना, समर्थक हैं, हाँ, जो बड़े बड़े मतलब जिम्मेदार आदमी, उनकी सुनी, जनता की नहीं सुनी है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फरियाद। फरियाद, ये बताइए क्या मूड है इस वक्त, क्योंकि विकास कार्यों की बात की जा रही है यहाँ, धरातल पर तो कुछ दिखता नहीं है, लाइटें भी नहीं है, सड़कें नहीं बनी है, नालियाँ नहीं बनी है, मूलभूत सुविधा गाँव वालों को या शहर वालों को या कस्बे वालों को यही होती है, इस बार क्या मूड है? देखिए जनाब, सबसे पहले मैं आप हजरात के सामने विकास के मुतालिक बात बता दूं। हमारा गांव ये कस्बा है और इसकी आबादी तकरीबन
छोटे बड़े को लगाकर आज 30-40 हज़ार के करीब है। हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए हमारा गांव 0% है। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कोई डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज नहीं है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये उन हुक्मरानों को सुननी चाहिए, उन नेताओं को सुननी चाहिए जो आते हैं और वादे करते हैं। अपनी बात कंटिन्यू। और इसके अलावा ये जो 5 साल गुजरे हैं जिसमें हमारे बीजेपी से विधायक हैं, उन्होंने गाँव की तरफ कोई मुतवज्जो नहीं किया, ना कोई गाँव को देखा। इसके अलावा हाजी गुलाम अहमद जो हमारे यहाँ विधायक रहे, अब से पहले उन्होंने हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल कायम किया था, जो बिल्डिंग तो बना दी गई है और बिल्डिंग पूरी हो चुकी है, मगर अब तक उसमें कोई डॉक्टर का या दवाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। हमारा गांव अक्सर तबका गरीब है, मजदूर तबका है, अक्सर परेशान हाल है। हमारे यहाँ अगर बच्चों औरतों के बच्चे होते हैं तो उनके लिए बिलोक जाना पड़ता है, और जबकि इतने बड़े गाँव में इन तमाम सुविधाओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप पढ़ते हैं? जी, मैं एजुकेशन कर रहा हूँ, मैं बीए कर रहा हूँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, और मदरसा अपनी धार्मिक तालीम में मैं मौलवियत कर रहा हूँ। अच्छा, आपने मूलभूत जो परेशानी है वो बताई है, सुविधा उनकी मांग की है। इस बार आखिर आपका मूड क्या है, आप युवा हैं? इस बार मेरी जो हमारे यहाँ जो विधायक साहब उतरे हैं वो नन्हे प्रधान जी हैं, और हमारा हम सब का गाँव वालों का ये इरादा है कि हम नन्हे प्रधान को पूरे इलाके का हम नन्हे प्रधान को विधायक। अच्छा, नन्हे प्रधान जी को विधायक बनाना चाहते हैं। मैंने काफ़ी लोगों से पहले बात की, आखिर नन्हे प्रधान ऐसा उनमें क्या आप लोगों ने देखा है जिससे कि आप उनसे इतने प्रभावित हुए, इंस्पायर हुए? देखो, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की वजह उनकी यह है कि उनके अंदर मोहब्बत भाईचारे की बहुत ज़्यादा है। उनके यहाँ किसी बिरादरी का, धर्म धाई का कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, इस बार किसानों का बड़ा मुद्दा उठता रहा, 3 कानून आए वो हटाए गए, और तमाम चीज़ों को लेकर के लोकदल के लोग उसको भुनाने में लगे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भुनाने में लगे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आपका क्या मूड है? भारत मूड यू है, यहाँ अब से पहले जो विधायक था वो यहाँ लखाया भी नहीं, इस कस्बे में वो लखाया भी नहीं यहाँ। और अब जो हम विकास की वजह से ही नन्हे प्रधान को वोट करेंगे। नन्हे प्रधान मैं काफ़ी लोगों से सुन चुका, हालांकि मैं आज दूसरे इलाके में भी गया, पांचली बुजुर्ग पड़ता है, वहाँ कुछ लोग मुझे गुलाम मोहम्मद के समर्थक मिले और इसी तादाद में मिले। यहाँ मैं खिवाई में आया हूँ, ये भी काफ़ी बड़ा कस्बा है, यहाँ नन्हे प्रधान के समर्थन में है। आप मुझे ये बताइए, आप बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, अगर लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का जो प्रत्याशी है और प्रधान जी की टक्कर उनसे मानी जा रही है, त्रिकोणीय है यहाँ पर है, क्या आपको नहीं लगता दोनों ही कैंडिडेट अगर मुस्लिम में नुकसान हो सकता है? वो जो गुलाम मोहम्मद था उसको 5 बार लड़ा रहे, अब के उसका कुछ नहीं है यहाँ। एक मौका प्रधान जी को मिलना चाहिए। अब क्या मौका मिलेगा नन्हे प्रधान जी को, सारा लाखा उसकी गैल है। अच्छा, ये बड़ी जो फैक्ट है देखने को मिलता है, चूंकि जो सत्ता में सरकार होती है या विधायक होते हैं उनकी मुखालफत हो जाती है भले ही कोई काम कराए। हालांकि गुलाम मोहम्मद ने कुछ काम यहाँ पर कराए हैं, कुछ लोग इंस्पायर जरूर है, और जितेंद्र सतवाई की बात की जाए तो यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन इस बार जो जनता का मूड है वो चाहते हैं के परिवर्तन हो, एक विधायक जो नया विधायक हो इस क्षेत्र में आए और उसको भी ये लोग देखें, वो विकास कार्य कराए। हालांकि नन्हे प्रधान जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि प्रधान रहते हुए भी उन्होंने काफ़ी ऐसे काम कराए हैं जो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है। हालांकि काफ़ी लोग इंस्पायर हैं, लेकिन चुनाव के परिणाम जिस तरीके से आएंगे, कौन इस सीट पर विजयी होगा और कौन इस सीट पर मौत खाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ। मेरठ के सिवाल खास में क्या है जनता का मूड, पांचली बुजुर्ग कस्बे में पहुंचे हमारे सहयोगी मनोवर चौहान, लोगों से उनके मन में क्या चल रहा है जानने की कोशिश की। क्या जनता मौजूदा विधायक को फिर से मौका देगी या फिर सत्ता से बेदखल कर देगी, आप भी सुनिए उनकी राय। विधानसभा चुनाव का जिस तरह से बिगुल बजा हुआ है, जैसे जैसे जो तारीखें हैं वो नजदीक आ रही हैं, वैसे ही वैसे कैंडिडेट की धड़कनें बढ़ रही हैं। लेकिन इस वक्त हमारी टीम मौजूद है मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के पांचली बुजुर्ग में। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, स्थानीय लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त किस तरीके का माहौल है, क्या मूड है, क्या लोग चाहते हैं। सबसे पहले मेरे साथ जुड़ेंगे तमाम लोग, सर क्या नाम है आपका? चेयरमैन है आप? कहाँ से? दुवाई से। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पर देखा जा रहा है? सिवाल खास में कांटे की टक्कर मानी जा रही है, त्रिकोणीय चुनाव लोग मान रहे हैं, लेकिन गठबंधन का दबदबा देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? गठबंधन को दे वोट दे रहे जी, सब के सब एक धोरा सा है, महंगाई की वजह से।
मुद्दे क्या है? तेल का मुद्दा है और मुद्दे तो ज्यादा है, महंगाई के हैं ज्यादा मुद्दे। अच्छा, तेल चूंकि किसान है, तेल की बड़ी समस्या है, महंगाई है, तो क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या केवल अगले सरकार आएगी? जी अखिलेश आएगी, क्यों? बस महंगाई से हटगी पब्लिक से। अच्छा, भाजपा के जो यहाँ वर्तमान विधायक हैं सतेंद्र जितेंद्र सतवाई, क्या वो आए नहीं इधर, देखा नहीं आप लोगों की समस्या? कुछ काम नहीं करा इन्होंने, क्या दिखे नहीं यहाँ कभी? आज तक हमने वर्तमान विधायक का चेहरा तक नहीं देखा, और हमारे जो अब मौजूदा गठबंधन के प्रत्याशी है वो हमेशा हमारे सुख दुख में हमारे काम आते थे, और जब वो विधायक थे इस ग्राम पांचली बुजुर्ग में उन्होंने ही काम कराया, उनका ही विकास इस गांव के अंदर दिखाई दे रहा है, और गठबंधन के प्रत्याशी ही इस बार जीत की तरफ है, हमारी कोई टक्कर में नहीं है, कम से कम 60,000 वोटों से हम जीत रहे हैं, इंशाल्लाह जीत होगी। अच्छा, ये बताइए, जहां मैं मौजूद हूं, मैं इस गांव की सड़कों से घूम कर आया हूं, सड़कें बिल्कुल नालियां बनी हुई हैं, पानी भरा हुआ है, निकासी की व्यवस्था नहीं है, मैंने यहाँ देखा है कि ये गाँव वंचित है, यहाँ के लोग शोषित है, एजुकेशन की बात कर ली जाए तो मुझे कोई खास स्कूल भी नहीं दिखाई दिया, क्या कहना चाहते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो 5 साल बीते हैं उन 5 साल में बदतर ये हालत हमारी हो गई है, और जो भी यहां विकास हुआ है 5 साल से पहले वो हाजी गुलाम मोहम्मद की देन है, और इस विधानसभा में जो विधायक के रूप से जाना जाता है तो वो एक देन हाजी गुलाम मोहम्मद साहब की है कि हाँ कोई विधायक होता है, जितना विकास उन्होंने कराया है शायद कोई भी विधायक नहीं करा पाएगा, और सतबाई की तो यहाँ किसी ने शकल भी देखना नहीं दिखी 5 साल तक, और काम तो उनकी बहुत दूर की बात है, उन्हें झूठ बोलने से ही फुर्सत नहीं है, बार बार वो एक ही काम, जुमले पे जुमला, कभी कुछ कभी कुछ, आप देख सकते हैं महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं, आप जैसे आप ही बता रहे हो कि हम इस रोड से आए हैं और यहाँ आकर के अगर आप 5 साल पहले देखते इन रोडों की हालत क्या थी और आज क्या है, 5 साल पहले ही ये रोड बने थे, और 5 साल में इस गांव में क्या, मैं पूरी विधानसभा की बात करता हूं और विधानसभा का मैं पूरे प्रदेश की बात करता हूं, कहीं भी इन लोगों ने कोई भी झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं कराया। झूठ बोलने के आरोप लगातार लग रहे हैं, अखिलेश यादव खुद झूठ बोलने की बात इनकी कह रहे हैं, हालांकि यहाँ पर राकेश टिकैत ने भी कई मीडिया संस्थानों पर बैठकर भाजपा को झूठा करार दिया है। इस वक्त हम मौजूद यहाँ किसान निवास करते हैं, चौतरफा आप देखेंगे यहाँ हरियाली है, खेती है, और ये खेती आप देख सकते हैं, चूंकि खेतों का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ, करीब 9 महीने हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा आंदोलन हुआ जो किसानों ने किया, और हाल ही में वो आंदोलन खत्म हुआ है, चुनाव भी सर पर है, आप किसान हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, क्या जो राकेश टिकैत कर रहे हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में वो भाजपा की मुखालफत कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इस बार मुद्दे क्या रहेंगे? किसान आप हैं तो किसानों का कहीं ना कहीं शोषण करने का काम ऐसा हुआ है आपको लगता है? किसानों के मुद्दे तो ये रहेंगे जी, जो ये एक तो यूँ नहीं दिया अब तक किसानों को, मील का पेमेंट नहीं दिया, पिछला पेमेंट रह रहा अब लग, गैस 400 रुपये का दिया था, अब 950 का 1000 का भरवा रहा है। मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? इंटर फाइनल की है। कहाँ से? मैंने किया है बसी खान इंटर कॉलेज। यहाँ स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज? एक ही बनवाया था हाजी गुलाम मोहम्मद साहब ने। कौन सा वाला? ये इंटर राज के स्कूल। हाँ। उसकी रास्ते की हालत देख लो, जो मेन रास्ता है। एक बार रास्ते को जरूर, एक रास्ता नहीं, मैं अभी आपसे बात करूंगा, एक बार रास्ता दिखाएं। यहाँ पर जो स्कूल बना है उसकी बिल्डिंग तो खड़ी है, लेकिन लोगों का आरोप है चालू नहीं हुआ है, चूंकि जो मेन रोड है वो कच्चा है, इसको दगड़ा कह सकते हैं। मेरे साथ ऐसे युवा है जो यहाँ बता रहे हैं, क्या बताइए क्या नाम है आपका, आप इसमें क्यों नहीं पढ़े आप? मेरा नाम शाबान चौहान है, मैं पांचली बुजुर्ग का निवासी हूँ, और ये जो जितना कार्य किया है वो हाजी गुलाम मोहम्मद ने और उत्तर प्रदेश अखिलेश सरकार ने किया था सबसे पहले। अच्छा, रही बात करप्शन की, इस सरकार में जो मीडिया दिखा रही है सबसे ज्यादा करप्शन इस सरकार में हुआ 5 साल में, सबसे ज्यादा लूट खसोट पुलिस ने की है, इस सरकार ने की है, चोर डकैती ऐसा हो गया मामला, हमारे अभी गांव में 15-20 कुएं पटे थे जो किसानी कुएं, उनके FIR तक भी दर्ज नहीं करी किसी ने, अगर कराने भी जाते तो उन्हें डंडे मार मार के किसानों को उल्टा भेजने काम करा। कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र? मेरे 21। मेरी जिंदाबाद। रुके रुके रुके, कितनी उम्र? 20 वर्ष। आप वोट करेंगे इस बार? नहीं, बिल्कुल भी इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा जी। नहीं, वोट आपकी है जी? बिल्कुल है। रुके जरा रुके, मैं बात करता हूँ। सुनिए 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 मेरे बात, आप सुनिए सुनिए सुनिए।
ये बताइए जो आपने रास्ता हमें दिखाया है, अंदर के रास्ते देखे, क्या आपने यहाँ के विधायक से बातचीत की इस बारे में? एक मिनट, यहाँ के विधायक से, यहाँ का विधायक चुनाव लड़ रहा, चुनाव टिकट भी कट गया उनका, टिकट कट गया है, लेकिन उनके वर्तमान में जो अभी विधायक जो प्रत्याशी है उनके मुखालफत है, तो मैं सब जानता हूँ। ये बताइए आपने शिकायत की थी या नहीं की? शिकायत किससे करेंगे? अरे एक मिनट सुनो, शिकायत किससे करेंगे जब कोई जनता के बीच में आएगा या अपना ऑफिस पे किसी को या अपने ऑफिस पे किसी को बिठाएगा तभी तो शिकायत होगा। तब अपने ऑफिस पे किसी को बिठाने की क्षमता ही नहीं थी उसकी या बुलाने की। वहां अगर कोई चला भी गया तो उसे वहां से भगा दिया गया तो उससे क्या उम्मीद रखेंगे हम रास्तों की? क्या उम्मीद रखेंगे हम अपनी शिक्षा की? क्या उम्मीद रखेंगे हम अपनी? भाजपा के कैंडिडेट यहाँ वोट मांगने आएंगे तो क्या पूछेंगे आप यहाँ पे? यहाँ से खदेड़ा हो चुका है एक बार तो, और दोबारा भी होगा, तिबारा भी होगा। यहाँ जो भी होगा वो हाजी गुलाम अहमद के लिए होगा, अखिलेश यादव के लिए होगा। ये तो देखा जा रहा है इस क्षेत्र में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, छुड़गांव की बात हो ये अन्य गांव की बात हो, वहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको भगाया जाता है। काफी लोगों में आक्रोश है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो युवा वर्ग है उन्होंने दिखाया कि जिस तरीके से यहाँ कॉलेज बना है लेकिन चालू नहीं हुआ है, उसके जो रास्ते हैं टूटे हुए हैं, और यहाँ गठबंधन के पक्ष में लोग दिखाई दे रहे हैं और भाजपा की कहीं ना कहीं जो मुखालफत दिखाई देती है इससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी की काफी संख्या के वोटों से जीत हो सकती है। अपने सहयोगी नासिर के साथ में मनोहर चौहान, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद सभी दल के नेता उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है और दिल्ली मॉडल की तर्ज पर चुनाव जीतने का दावा भी कर रही है। मंगलौर पहुंचे दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों पार्टियों ने प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है और प्रदेश की जनता को बेहतर शिक्षा, बेहतर अस्पताल और बेहतर रोजगार की दरकार है, जिसके लिए जनता आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर पसंद कर रही है। अंदर 21 साल से उत्तराखंड के लोग कभी भाजपा को, कभी कांग्रेस को, कभी भाजपा को, कभी कांग्रेस को जिताते रहे, लेकिन दोनों पार्टियां सरकार बनने के बाद अपने लिए काम करती रहीं, उत्तराखंड के लोग अपने को ठगा महसूस करते रहे, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। कभी समाजवादी, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी, कभी उत्तराखंड क्रांति दल, कुछ कुछ इलाकों में लड़े, लेकिन प्रदेश में कोई मजबूत विकल्प नहीं आया। पहली बार आज आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बनकर तो सामने आई है। दूसरा, वो पार्टी है जिसने दिल्ली के अंदर सरकार बना करके जनता के लिए काम किया, तो आज उत्तराखंड के लोग अब तक मजबूरी में कांग्रेस भाजपा के साथ खड़े थे, अब पूरे उत्तराखंड के अंदर एक बदलाव की अंडर करंट लहर चल रही है। लोग चाहते हैं कि भाई कांग्रेस भाजपा को बार बार हमने मौका दिया, एक मौका आम आदमी पार्टी को दिया जाए, कर्नल कोटियाल को दिया जाए, तो इसलिए पूरे उत्तराखंड के अंदर एक अंडर करेंट चल रहा है। आज मैं यहाँ मंगलोर विधानसभा क्षेत्र में नवनीत राठी जी के समर्थन में यहाँ पर मैं अपील करने आया हूँ। गदरपुर के निकटवर्ती गांव ढीमरखेड़ा फतेहगंज के ग्रामीणों ने सड़क नहीं बनने के कारण रोड नहीं तो वोट नहीं का पोस्टर हाथ में पकड़कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीय युवाओं ने कहा कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पिछले 10 साल से यहाँ पर विधायक हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क नहीं बनने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, इसलिए मजबूर होकर आज हमें रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देना पड़ रहा है। अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो हम वोट नहीं डालेंगे। हमारे मंत्री बनने से पहले पूरी विधानसभा कहीं ना कहीं खंडहर थी, और ये सब लोग जानते हैं कि कहीं भी किसी सड़क पर नए कपड़े पहन के नहीं जा सकते थे शादी ब्याह में, सब जगह खंडहर था। मंत्री बनने के पश्चात हमने 50 साल के गड्ढे को भरने का काम किया, और यहाँ की जो महान जनता है जिसने मुझको आशीर्वाद देकर मंत्री बनाया, वो लोग जानते हैं कि 50 साल 60 साल से नेता तो बने, विधायक तो बने, लेकिन काम किसी ने नहीं किया, तो वो गड्ढा इतने साल का भरा हुआ था जो 5 साल में नहीं भर सकता। लेकिन सब लोग जो देवतुल्य जनता है, यहाँ की महान जनता है, वो जानती है कि 50 साल के गड्ढे को मैंने भरने का काम किया है। ये जी सड़क हमारे यहाँ बहुत ख़राब है काफ़ी सालों से। कैसे सिंह बाबा हमारे यहाँ के विधायक थे, उस टाइम हमारी ये रोड बनी थी,
उसके बाद में इस पर कोई मरम्मत नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। पांडे जी, हम मंत्री जी को काफ़ी 10 साल से कह रहे हैं हमारी सड़क के लिए, बच्चे हमारे परेशान हैं, कभी बस हमारी खेतों में इधर उधर भी हो जाती है, लड़बड़ जाती है। पिछले 20 साल से हम इस रोड को ऐसे ही देख रहे हैं। पिछले 10 साल मंत्री जी के रहे हैं अरविंद पांडे जी के, उससे पहले 10 साल महाजन जी रहे हैं, जो कि मामला देखा जा रहा है कि हमारी रोड इतनी गंदी हो चुकी है कि वहाँ से अगर हमें वहाँ से पैदल आना होता है, कोई टुक टुक वाला यहाँ आने के लिए रेडी नहीं होता है। थोड़ी सी बारिश पड़ जाती है तो बिल्कुल रास्ता बिल्कुल ऐसा ख़राब है, साइकिल वाला भी नहीं पहुंच सकता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।